रोल मॉडल, व्यक्तिगत प्रतीक एवं आदर्श व्यक्ति, ये सभी अवधारणाएं हैं जो किसी व्यक्ति को बनाने या नष्ट करने में योगदान दे सकती हैं। इसका बड़ा महत्व है और युवाओं पर इसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने लिए महान नैतिकता और ठोस दृष्टिकोण का एक अच्छा प्रेरणा स्रोत खोजे, सफलता के तत्वों एवं कामयाबी के कारणों की तलाश करे तथा उनका अनुकरण करे एवं उन्हीं मार्गों पर चले। और एक युवा मुसलमान अपने लिए चाहे जितने भी रोल मॉडल खोज ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं उनके सम्मानित सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से उत्तम आदर्श उन्हें नहीं मिल सकता। उन्हीं अनुकरणीय व्यक्तियों में से एक जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहूदियों की भाषा सीखने का दायित्व सौंपा था, अतः उन्होंने इसे सीखा तथा मात्र 15 दिनों में इसमें पारंगत हो गए। उन्हीं आदर्श व्यक्तियों में से एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा है, जिन्होंने कड़ा परिश्रम करके प्रचुर मात्रा में ज्ञान एकत्र किया, जिसे बाद में आने वाले सभी लोगों ने नकल किया। उन्हीं लोगों में से एक मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु है, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना एक राजदूत के रूप में भेजा था तथा जिसे उन्होंने कुरान के द्वारा विजय कर लिया। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की ओर दाई एवं प्रचारक बनाकर भेजा था। उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुमा, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमनों पर आक्रमण के लिए मुस्लिम सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जबकि उनकी आयु 20 वर्ष भी नहीं हुई थी। इस प्रकार से अपनी छोटी उम्रों में उन्होंने खतरों का सामना किया, रहस्य को सुरक्षित रखा और दिन रात अल्लाह की इबादत व पूजा की। अतः वे सबसे अच्छे रोल मॉडल एवं सर्वोत्तम आदर्श है। सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.